लाल दरवाजा के एरिए में ओमकार गणेश उत्सव समिति की जानिब से 39वीं साल मुकम्मल होने के मौके पर गणेश उत्सव समिति की जानिब से आज गणेश की स्पेशल पूजा की गई है। इस मौके पर संजय चेयरमैन और पंकज सदर, दीपक राज, लक्ष्मण और सतीश के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेश बाबू ने पूरी तफसीलात बताई है और तेलंगाना रियासत की गवर्नमेंट से भी अपील की है, इस साल गणेश के निमज्जनम में अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करें ताकि आने वाले भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो। हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की खास रिपोर्ट। दरवाजा की बस्ती में 39 साल से श्री ओमकार गणेश समिति के मंडप बिठाया जा रहा है। इस मंडप के अध्यक्ष पंकज शिंदे और चेयरमैन साहब के संजीवा और बाकी के मेंबर्स जो रासम चिन्ना है, सुरेश बाबू है, कुणाल है, दीपक है, महाराज है, सचिन भाई है और बहुत सारे मेंबर्स है और उन सबको गणेश मंडप की ओर से बधाई की बात दे रहा हूँ मैं। गणेश उत्सव समिति में हर साल जो है नाम ये जो मंडप को जो है ना बहुत भक्ति श्रद्धा से हम काम करते हैं। यहाँ पे हमारी जो पुरानी मंडप है जो लाल दरवाजा पुराने शहर में, हर साल जो है ना हम जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके फॉलो करते हुए हम हमारा ये जो उत्सव ग्रैंड मना लेते हैं। और इस बार भी जो गवर्नमेंट हमारे को जो निवेदन जो ऑर्डर्स दिए हैं कोविड के हिसाब से, वो हिसाब से भी हम अमल करते हुए हर भक्त को तकलीफ नहीं हुए सरकार, हर जो चीज़ है ना हम पूरा परफेक्ट कर इस। और एक हमारा रिक्वेस्ट क्या है तो गवर्नमेंट से रहने दो या हाईकोर्ट से भी रहने दो, इस बार हमारे को गणेश मंडप को और हुसैन सागर नहीं विनायक सागर में डालने की एक विनती कर रहे हैं हम हमारे मंडपों के तरफ से। एक बार हमारे को एक मौका दीजिए, अगले साल से आप जो भी बोलेंगे हम उसको करने को तैयार है। हर साल जैसा जो हमारे को सपोर्ट करने वाले डिपार्टमेंट से सबको भी जो हमारी तरफ से और धन्यवाद कहते हुए सबको हमारी गणेश उत्सव समिति की तरफ से बधाई की बात करते हैं। और वैसी सिक्स चैनल के आजमान इनको भी हम हमारे मंडप की ओर से उनको बधाई की बात देते और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 39 साल से हम गणेश बिठा रहे हैं यहाँ पे और उससे पहले भी है हमारा गिनती क्या है बोलो तो हम जरा बच्चे गिनती है सब 39 लगाए, उससे ज़्यादा पुराना है ये लाल दरवाजा रोड में जो है ना पहली गणेश हमारी है। और सबको जो ना गवर्नमेंट के जो हिसाब से रहता ना उनके फॉलोअप करते हुए करते हम किसी को तकलीफ भी नहीं देते। हम जो मंडप है हमारे भक्ति श्रद्धा से हम काम करते हैं, हमारे कमेटी मेम्बर्स रहें दो हम रहें दो। और गवर्नमेंट से भी निवेदन है हमारा, हम हर साल हमारे को ऐसे एंकरेजमेंट करें और हम आपको भी एंकरेज करेंगे। ये जो उत्सव है ना ये बाल गंगाधर तिलक जो बॉम्बे में अपने तैयार करे सोए उन्हों जैसा ब्रिटिश से उनसे लड़ने से वैसे ये उत्सव बने सोए हमारे ओर से भी उनको वो धन्यवाद कहते हैं और उन मंडप की तरफ से भी। लाल दरवाजा ओमकार गणेश समिति 19 साल से हम बिठा रहे कोविड के निबंध के हिसाब से
हम जो मेन रोड लाल दराजा मेन रोड पे बिठाते थे हम हर साल, इस बार क्या लास्ट टाइम क्या करें अंदर बिठाए, कहीं को तो किसी को भी तकलीफ नहीं होना गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के, और इस बार भी अंदर ही बिठाए हम। कहीं को बोले तो जो फलकनुमा के पास जो ब्रिज बन रहा ना, वो ब्रिज के वजह से हमारा लाल दराजा रोड से ट्रैफिक बहुत हो गया, तो इसमें क्या हो रहा बालापुर गणेश भी ये लाल दराजा रोड से जाने वाला है। हम इसीलिए गवर्नमेंट को रहें दो, पुलिस वाले को रहें दो, किसी को भी तकलीफ, पब्लिक को भी रहें दो, आम पब्लिक को भी रहें दो, गाड़ी वालों को भी तकलीफ नहीं होना, बल्कि इस बार भी हम गणेश मंडप को अंदर बिठाए। हम गवर्नमेंट को भी कोऑपरेट कर रहे, पुलिस वालों को भी कोऑपरेट कर रहे, हर डिपार्टमेंट को कोऑप कर रहे। श्री ओमकार गणेश समिति बोले तो एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, हम इसीलिए एक डिसिप्लिनरी कमेटी है हमारा, किसी को भी तकलीफ नहीं होना बोल के हम ये काम कर रहे हैं। हर नेक्स्ट ईयर भी जो ना हम गवर्नमेंट जो रूल्स फॉलो करते हम बोलते रहते, कोविड के हिसाब से भी हम जो ना कोविड के निबंधन काम कर रहे। थैंक यू सर।